नमस्ते, टेस्टी सफर में आप सभी का स्वागत है। बैसाखी का त्योहार पास आ रहा है, सोचा कि आपको एक पंजाबी रेसिपी बताऊं। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मटर पनीर। सबसे पहले हम एक पेस्ट बना लेते हैं। दो कटे हुए प्याज, एक कटा हुआ टमाटर, आधा इंच अदरक और 10 से 12 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा पानी, अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। देखते हैं हुआ है कि नहीं। मसाला हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। मटर पनीर अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको आसान तरीका बताने वाली हूं। अब हम 2 टेबलस्पून तेल लेते हैं, इसे गर्म होने देना है। तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। मटर लिया है वो हम इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, सौते कर लेते हैं। 1.5 किलो मटर लिए हैं, इन्हें हम पकने देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, हमने जो पेस्ट बनाई थी वो हम इसमें डाल देते हैं। थोड़ा पानी ले लेंगे। यहाँ मैंने 1.5 किलो पनीर लिया है। पनीर के बारे में एक बात बतानी है, मैं कभी भी पनीर फ्राई करके नहीं लेती हूँ क्योंकि वो च्यूई बन जाता है। अगर आपको पसंद है तो आप उसे फ्राई करके ले सकते हैं। इसे हम आहिस्ता आहिस्ता डाल देंगे, पनीर का शेप बिगड़ना नहीं चाहिए। अब हम इसमें एक एक करके सारे मसाले डाल देंगे। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून किचन किंग मसाला, आप धनिया पाउडर भी यूज कर सकते हैं। अब जाएगा इसमें नमक, वो भी स्वादानुसार। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। इसे मिक्स करके 15 से 20 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकने देते हैं। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, काफी खुशबू आ रही है। देखते हैं मटर पनीर रेडी है क्या। यस, पनीर अच्छे से पक चुका है, गैस बंद कर देते हैं। अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून बटर, 1/2 धनिया पत्ता। अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। मटर पनीर तैयार है। आसान रेसिपी है, आपको जरूर घर पे बनानी है और आपकी वजह से टेस्टी सफर को अच्छा रिस्पांस मिलते जा रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और आप सभी को हैप्पी बैसाखी की।